हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव राठौर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुस्कूप। दिस इज़ आर एमपीजी के लेक्चर सीरीज। दिस लेक्चर सीरीज में हम लोग एमपीजी के को डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हम एक एक डिस्ट्रिक्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, टूरिस्ट प्लेसेस, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम पैटर्न पर जो पूछा जा सकता है, वो सारे ही फैक्ट्स, जितने भी पॉसिबल फैक्ट्स हैं, वो हम लोग कवर करते जा रहे हैं। जो लोग इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, दे नो इट इज़ द 20th लेक्चर इन द सीरीज़। हम लोग अभी तक 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सो दैट मैक्सिमम पीपल विल गेट द बेनिफिट। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ से फ़ायदा मिल रहा है और इट इज़ रियली हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज, जहाँ से आपको MPGK के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आपको जो जोग्राफी और MP के नोट्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे PDF फॉर्म में। देन आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको और भी कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हम जो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट पे बात कर रहे हैं। इसमें अभी तक जो है वो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके पास, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इंदौर डिवीज़न में, जिसमें हमने 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लिए। इंदौर सबसे पहले हमने कवर किया था, फिर धार डिस्ट्रिक्ट की बात की, उसके बाद जिसको आप ईस्ट निमाड़ बोलते हैं, दैट इज़ आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट, उसको कवर किया। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वो है आपका ये डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ बुरहानपुर। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से ही आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं आपको क्वेश्चंस वहीं पे आइडेंटिफाई करा दूंगा, तो इस डिस्ट्रिक्ट से भी आपको 8 या 9 क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। सारे फैक्ट्स जो है वो मैं आपको वहीं पर आइडेंटिफाई करा दूंगा, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, टूरिस्ट प्लेसेस और भी कोई अदर फैक्ट है, तो वो सब हम आज के लेक्चर में है कंप्लीट कवर कर लेंगे। बात स्टार्ट करते हैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की। सो पहले लोकेशन देख लेते हैं, इट इज सिचुएटेड हियर, ये रहा यहाँ पे आपका बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको पता चलता है, इट इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज़ द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, सो बुरहानपुर विल बी द आंसर। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहीं से मिल गया। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इट कवर्स अराउंड 3,427 स्क्वायर किलोमीटर एंड रैंक्स 46th इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ऑलमोस्ट 3,427 किलोमीटर जो है वो एरिया कवर करता है। और प्रिसाइज लोकेशन की बात करते हैं, तो इट शेयर्स बाउंड्री विद खंडवा डिस्ट्रिक्ट, हियर इट इज़, that is East Nimad, and also shares boundary with Khargone, that is also known as West Nimad, और it is इधर जो है वो पूरा boundary जो है वो महाराष्ट्र state के साथ share करता है। ठीक है, एक important fact, ये जो second fact है, it was formed on 15th of August 2003, ये date specific याद रखिएगा, क्योंकि जो district 1998 के बाद बने हैं उनका जो है वो date पूछा जा सकता है आपसे। जैसे 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने, उसके बाद 2008 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने, फिर 2013 में आगर मालवा बना, 2018 में निवाड़ी बना, तो इन सब के जो डेट है वो आपकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट वाइज भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जब हम MP का रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वैसे हम ये सारे डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे ही, तो याद रखिएगा बुरहानपुर वॉज फॉर्म्ड ऑन 15th of August 2003। ठीक है, और किससे सेपरेट होकर बना था, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दोनों ही बात याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, सो द आंसर विल बी खंडवा, एंड इट वॉज सेपरेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट, तो इट द आंसर विल बी 15th of August 2003। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। ठीक है, मेन रिवर्स अगर यहाँ से बात करें तो ताप्ती रिवर है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ये जो है पूरा ताप्ती रिवर के बैंक पे ही जो है वो बसा हुआ है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
बहुत बार ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सिटी कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो कुछ मेन सिटीज़ हैं, जैसे जबलपुर जो है वो नर्मदा रिवर के तट मतलब बैंक पे है, फिर शिप्रा के तट पे जो है वो उज्जैन है, वैसे ही ताप्ती रिवर के बैंक पे अगर आप पूछें तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे इसको याद रखिएगा, इसकी ज्योग्राफी से ही दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15th of August 2003 एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। फिर पॉलिटी की बात करते हैं, तो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू ओनली 3 तहसील्स, हियर इट इज नेपानगर, खकनार एंड बुरहानपुर। फिर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल ये जो है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस एरिया में जो सदर्न साइड वाला एरिया है वहाँ पर बुरहानपुर एक इंपॉर्टेंट टाउन रहा। खंडवा खरगोन की हिस्ट्री उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही, बट जो बुरहानपुर है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा मिलिट्री का एज वेल एज जो है वो अथॉरिटी का भी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा, इसलिए इसकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम पढ़ते हैं एक एक करके इसके पॉइंट्स, ठीक है। सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टाउन इन द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इन द टाइम ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो कि डेक्कन से एमर्ज हुई थी उनके टाइम पे जो है वो इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा, बट फिर भी जो इसका इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा ये जो है वो इन्हेंस होता है, वो होता है आपका मिडाइवल पीरियड में, व्हेन द सल्तनत पीरियड वॉज स्टार्टेड एंड मुगल्स लेटर ऑन व्हेन मुगल्स कैप्चर्ड दिस एरिया, सो दिस बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मिलिट्री, ठीक है। हाउएवर द बुरहानपुर केम इन टू प्रोमिनेंस इन द मिडाइवल पीरियड। बुरहानपुर वॉज द कैपिटल ऑफ खानदेश सल्तनत, ठीक है। अभी खानदेश सल्तनत क्या है, सो जैसे आपकी दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, फिर हमने मालवा सल्तनत की बात की जब हमने धार पढ़ा, तो वैसे ही जो आपका निमाड़ वाला रीजन है दैट इज खंडवा खरगोन और बुरहानपुर बड़वानी, यहाँ पे एक और सल्तनत जो है वो उस टाइम रूल कर रही थी, दैट इज खानदेश सल्तनत, ठीक है। तो ठीक है, सो ये वाला जो एरिया है इसको खानदेश सल्तनत रूल कर रही थी, इस एरिया को ही बोला जाता है खानदेश। सो यहाँ के जो सुल्तान थे उनको बोला गया खानदेश सल्तनत, और इसी डायनेस्टी के एक सुल्तान थे जिनका नाम था मिरान आदिल खान सेकेंड, उनके टाइम पे जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे जो है वो पैलेसेस और फोर्ट्स यहाँ पे बनवाए गए, ठीक है। सो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं के रन में जो है वो बुरहानपुर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया ऑफ ट्रेड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है। टेक्सटाइल के लिए तो ये बहुत फेमस है ही, बट ट्रेड के लिए बहुत फेमस जगह हो गई, बिकॉज जब आप इंडिया के मैप में बुरहानपुर की लोकेशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो सतपुड़ा रेंजेस हैं वो पूरी आपके साउथ से होके ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ऐसे पूरी जो आपकी सतपुड़ा रेंज है और बुरहानपुर सतपुड़ा रेंजेस में यहाँ कहीं सिचुएटेड है, सो बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है वो लोकेशन हो जाता है इंडिया के मैप में जब आप इसको लोकेट करते हैं। फिर मुगल्स की बात करते हैं, तो लेटर ऑन इन द रेन ऑफ अकबर दिस खानदेश सल्तनत वाज कैप्चर्ड बाय डिफिटेड बाय अकबर एंड दिस खानदेश सूबा और दैट बुरहानपुर रीजन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स एंड इट बिकेम वन ऑफ द टॉप लेवल प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, क्योंकि मुगल्स वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डेक्कन, ठीक है। आप डेक्कन का कोई भी एक्सपेडिशन पढ़िए, मुगल्स का, अकबर या उसके बाद जो है, अकबर ने तो खैर फ्रेंडली अलायंस से रूल किया, बट जो डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की औरंगजेब ने, तो उसके डेक्कन पॉलिसी पढ़िए, उसमें बुरहानपुर जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेंटर मिलेगा आपको मिलिट्री का एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड बुरहानपुर ऑल्सो बिकेम द कैपिटल ऑफ दिस रीजन, सो इसको कैपिटल भी बनाया गया, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर प्लेस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। बुरहानपुर वॉज एन इम्पॉर्टेंट मुगल आउटपोस्ट एंड रिमेंड हेडक्वार्टर ऑफ डेक्कन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। डेक्कन के जितने भी ऑपरेशन बाद में शाहजहां या औरंगजेब ने किए वो सब जो है उसका हेडक्वार्टर वो बुरहानपुर ही रहा आपका, ठीक है। शाहजहां ऑल्सो स्पेंड अ कंसिडरेबल टाइम इन दिस सिटी, बट लेटर ऑन इन 1720, ठीक है, 1724 की हिस्ट्री हमने पढ़ी है जब इंदौर और धार डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, कि मालवा वाला जो रीजन है दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ पेशवा इन 1724, तो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ से मराठास जो है वो नॉर्थवर्ड जो है अपना मूव कर रहे थे एक्सपेडिशन पे, तो 1720 के आसपास जो बुरहानपुर वाला रीजन है वो जो है वो पूरा मराठास के कंट्रोल में आ गया। इन 1720 दिस रीजन वॉज कंट्रोल्ड बाय द मराठा पेशवा बाजीराव,
when he was on his expedition to Malwa and Delhi. In 1750s, Sadashiv Rao Bhau also defeated the Nizam of Hyderabad and took the control of complete जो खानदेश वाला region है, और जो महाराष्ट्र में भी कुछ region है आपका वर्धा, यवतमाल, वो जो region है वो पूरा ही region जो है वो मराठास के अंडर में आ जाता है. बट आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मराठास इन द 1818, ठीक है, 1818 वाला जो ईयर, उसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जब हमने भोसलेस पढ़े थे, दैट बैतूल होशंगाबाद वाले रीजन में तब भी डिस्कस किया था, होलकर जब हमने इंदौर में पढ़े तब भी डिस्कस किया. सो 1818 वॉज द ईयर इन विच मराठास गॉट डिफिटेड इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बाय द ब्रिटिशर्स. तो मराठास को जो है वो अपनी बहुत सारी टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स के फेवर में देनी पड़ी थी, वैसे ही जैसे उन्होंने होशंगाबाद रीजन में बैतूल जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था, इंदौर वाले रीजन में उनको जो महेश्वर वाला एक एरिया था जो रूल कर रहे थे होलकर्स, वो उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ा. तो वैसे ही बुरहानपुर वाले रीजन से भी मराठास को जो है वो कुछ अपनी टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी. दिस इज द लास्ट पॉइंट. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मराठा एम्पायर द सिटी वॉज गिवन टू द मराठा सरकार होलकर सिंधियास एंड देन फाइनली इन 1818 वॉज हैंडेड ओवर टू ब्रिटिशर्स बाय द मराठास. ठीक है, सो कंप्लीट हिस्ट्री आपको बुरहानपुर रीजन की समझ आ गई होगी. लेट्स मूव टू द इकोनॉमी. ठीक है, इस स्लाइड से आपको जो इकोनॉमी वाली स्लाइड है यहाँ से चार या पांच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनेंगे एमपीपीएससी प्री में. सो एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाते जाऊँगा. ठीक है, बेसिकली अगर आप यहाँ की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट इज़ अ बैलेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सूटेबल जगह है और इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी डेवलप्ड हैं यहाँ पे. मेन जो क्रॉप है इस रीजन का वो है कॉटन एंड बनाना. खंडवा खरगोन वाले रीजन में कॉटन तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है. ठीक है, खंडवा इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाइट गोल्ड, हमने डिस्कस किया ही था. इनके साथ यहाँ पे जो है वो सोयाबीन और वीट, ग्राम, चिली, कॉरियंडर और भी जो क्रॉप्स हैं वो कल्टिवेट की जाती हैं. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है. बुरहानपुर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन एमपी. ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, सो बुरहानपुर विल बी द आंसर. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स को स्टार से. ठीक है, इट रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैरिजुआना, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैनबीज, या जिसको आप गांजा बोलते हैं. सो फर्स्ट रैंक जो है वो खंडवा की है, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो बुरहानपुर रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट मैरिजुआना. ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर ये बहुत स्टार्टिंग से रहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके बाद जो है वो पावरलूम इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड है. उसके बाद पाइप एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की इंडस्ट्रीज जो है वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई हैं. फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो दोनों हैं लास्ट की, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं. फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ऑफ एमपी, ठीक है, सिचुएटेड इन इट वॉज एस्टेब्लिश इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट वॉज नेम्ड एज बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड. ठीक है, सो जो टेक्सटाइल मिल है उसका नाम ही रखा गया था बुरहानपुर ताप्ती मिल्स एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 and 7. ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ऑफ एमपी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, सो द आंसर विल बी 1906 and 7. और नाम भी याद रखिएगा, बुरहानपुर ताप्ती मिल्स. और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है ये, और जो लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री है एमपी की वो यहाँ पे सिचुएटेड है, विच इज नेम्ड एज नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर एंड इट इज सिचुएटेड इन नेपानगर. ठीक है, जो तहसील हमने देखी थी अभी बुरहानपुर की, नेपानगर वहीं पर सिचुएटेड है. इट इज द लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री ऑफ एमपी एंड इट इज नेम्ड एज नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, सो याद रखिएगा ये फैक्ट भी. अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस की. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा ये खानदेश सल्तनत का और उसके बाद मुगल्स का, तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर आपको मिलेगा मुगल पीरियड का और उसके पहले का. सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आर्किटेक्चर में है वो है सबसे पहली आपकी मॉन्यूमेंट, दैट इज असीरगढ़ फोर्ट. ये आपको एक लोकेशन दिख रही है यहाँ पे, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये बुरहानपुर फोर्ट का है, सॉरी असीरगढ़ फोर्ट का है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट रहा ये. मैंने बताया आपको कि बुरहानपुर की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इट इज सराउंडेड बाय हिल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स बिकॉज सतपुड़ा रेंजेस में सिचुएटेड है, तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन था. और जिसको भी नॉर्थ से साउथ इंडिया जाना है, मतलब जो दिल्ली वाले एरिया में रूल कर रहा है और उसको डेक्कन जाना है, तो ही हैज टू कंट्रोल दिस असीरगढ़ फोर्ट. दैट्स व्हाई दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज की टू डेक्कन. ठीक है,
इट इज नोन एज की टू डेक्कन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, या गेटवे ऑफ डेक्कन। तो जिसको भी डेक्कन इंडिया जाना है या मतलब डेक्कन जाना है या साउथ इंडिया जाना है तो उसको ये फोर्ट जो है वो कंट्रोल करना ही पड़ता था। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज की टू डेक्कन और गेटवे ऑफ साउथ। एंड दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग असा अहिर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग असाहिर एंड इट इज नोन एज असीरगढ़ फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है शाही किला। इट इज सिचुएटेड इन बुरहानपुर ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती, ठीक है। ये इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ फरूकी डायनेस्टी। फरूकी रूलर्स ने जो है वो इसको बनवाया था। बट दिस पैलेस वॉज यूज बाय शाहजहाँ when Shahjahan spent a long time here as a governor of Burhanpur, so he used this fort for his residence. So yaad rakhiyega, Shahi Kila is situated in Burhanpur. Next jo ek important place hai wo hai Okhana, theek hai. Ye ek fort matlab fort like structure aapko yahan pe dikh raha hai, ek image hai, theek hai. It is was a royal fort. It is also situated on the bank of river Tapti. ठीक है, important fact ये है ओखाना से related that the Mumtaz was buried here for 6 months. जब Mumtaz की death होती है तो वो बुरहानपुर में ही होती है और ताजमहल बनने के time तक उनको जो है वो बुरहानपुर में ही रखा जाता है. So याद रखिएगा, question पूछा जाता है tomb of Mumtaz Mahal is situated in which district? So it is situated not in Agra, but initially it was situated in Burhanpur. So उस reference में जो है वो MPPSC आपसे पूछ सकता है. So this is the fact. Mumtaz was buried here for 6 months after her death until Taj Mahal construction was completed. ठीक है? So ये एक important fact है, ये याद रखिएगा. और एक और important fact मुझे पता चला था that initially जो आपका Taj Mahal है वो भी Burhanpur में बनने वाला था, बट ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत रग्ड और हिली टोपोग्राफी थी और उस टाइम जो है वो मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उतने नहीं थे. सो यहाँ तक मार्बल का सप्लाई जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो है वो फिर नेक्स्ट लोकेशन जो है वो आगरा डिसाइड की गई. बट इनिशियली जो आपका ताजमहल है वो बुरहानपुर में ही बनने वाला था, बट मार्बल का सप्लाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए फिर जो है वो ताजमहल आगरा में बनवाया गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और साइट है, रिलीजियस साइट है ये, वो है दरगाह हकीमी. ये जो है दाऊदी बोहरा समाज जो आपका होता है, एक सेक्शन है बोहरा समाज जिनको आप बोलते हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंट ये जो है ये पिलग्रिमेज सेंटर है, फेमस पिलग्रिमेज सेंटर दरगाह हकीमी ऑफ दाऊदी बोहरा सेक्ट, ठीक है. सो एंड द लास्ट फैक्ट अबाउट द बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इज एमपी का जो फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है, दैट इज चांदनी थर्मल पावर प्लांट, वो यहीं पर एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1953. So, याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ एमपी वॉज चांदनी थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1953. ठीक है, एक क्वेश्चन से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंटरलिंक रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन. जैसे यहीं से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इसी एक पॉइंट से, कि चांदनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ सिचुएटेड है, तो उसकी लोकेशन, ठीक है, और दूसरा ये फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था, और तीसरा जो है वो ईयर पूछा जा सकता है. तो ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे भी जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, तो पूरा एक कंप्लीट आप उसको याद रखिएगा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज खरबूजा महल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कस करते टाइम भी मैंने बताया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट का पार्ट है. खरबूजा महल इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ धार फोर्ट. ठीक है, धार फोर्ट में ही सिचुएटेड है. सो याद रखिएगा खरबूजा महल. और अगर आपको पता है कि दैट धार फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम, सो आंसर इन द कमेंट बॉक्स, हु कंस्ट्रक्टेड धार फोर्ट. नेक्स्ट, गोमटगिरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, गोमटगिरी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट. ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट. इंदौर डिस्ट्रिक्ट के जब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैरिजुआना. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन दिस लेक्चर आल्सो. सो फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैरिजुआना, सो इट इज खंडवा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपके कैनबीज का.
अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सहरिया म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले गया हूँ मैं यहाँ से क्वेश्चंस को, बहुत स्टार्टिंग के डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं दो क्वेश्चंस। सो सहरिया ट्राइब जो है वो पूरा आपका जो चंबल डिवीजन है वहाँ पर मिलती है, मोरेना श्योपुर भिंड वाला जो रीजन है। सो सहरिया म्यूजियम इज सिचुएटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, सो इट इज योर मोरेना डिस्ट्रिक्ट, द आंसर इज 829 per 1000, 829 फीमेल या 829 गर्ल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड। ठीक है, सो इट हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो इन MP अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। सो याद रखिएगा, होप आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ आवर फर्दर वीडियोज। आप जो है वो हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल। सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।